हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, ओके। हाँ, जस्ट 2 मिनट, चालू करते हैं। श्योर जिसका भी माइक चालू है जस्ट म्यूट कर लो, नहीं तो डिस्टरबेंस आता है यहाँ पे। हाँ, बेसिकली ये वेबिनार जो है वो खास ई स्टॉक मंत्रा क्लाइंट्स के लिए रखा गया है, एंड ऑफ कोर्स लाइक अदर्स आर आल्सो वेलकम। बट आप में से यहाँ पे कोई है जो हमारा क्लाइंट ग्रुप नहीं है? लाइक ही इज नॉट अवर क्लाइंट, लाइक हमारे क्लाइंट में नहीं है? जस्ट पूछने के लिए, लाइक ऑफ कोर्स एवरीबडी इज वेलकम, बट ये स्पेशली क्लाइंट्स के लिए रखा गया है, मोतीलाल ओसवाल क्लाइंट्स के लिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जो मोतीलाल ओसवाल का क्लाइंट नहीं है? हेलो हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, हेलो, ऐसा कोई है जो मोतीलाल ओसवाल का क्लाइंट नहीं है यहाँ पे? हेलो आवाज नहीं है ते। जस्ट लेफ्ट साइड ला म्यूट बटन असेल ते ऑन करा, अभिजीत देशमुख, राइट? लेफ्ट वॉइस ये इतना ही है, लेफ्ट साइड ला म्यूट बटन जे असेल मोबाइल चा ते ऑन करा। लास्ट टाइम तुम्ही होता था, राइट? लेफ्ट साइड ला जो म्यूट बटन असेल तो ऑन करा। जस्ट 1 मिनट एंड विल बिगिन, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, एक्चुअली मैं बोलोस नहीं है, लाइक अब क्लियर है? हेलो, क्लियर है? हेलो, इज इट क्लियर? ओके।
जस्ट ये सेशन मैं हिंदी में करता हूँ. रीजन इतना ही है कि बीच मीन्स कुछ और क्लाइंट्स है जिनको हिंदी में चाहिए था, एंड इंटेंशन ये वेबिनार का यही है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे फैसिलिटीज है जो हमारे मोतीलाल ओसवाल क्लाइंट्स को पता ही नहीं है, लाइक हाउ दे कैन इफेक्टिवली इन्वेस्ट और ट्रेड इन स्टॉक मार्केट बाय यूजिंग दिस फैसिलिटीज. और मैक्सिमम फैसिलिटीज आर फ्री विच पीपल आर नॉट अवेयर. लाइक बहुत सारे चीज है जो फ्री है बट आपको पता ही नहीं है, वो ऐप में रहने दो या हमारे ग्रुप में रहने दो या बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज. तो अभी तक लाइक जो जो क्लाइंट से मैंने बात की है तो मुझे यही पता चला है कि पूरे हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही नहीं है, और बिकॉज आपको पता नहीं है इसके लिए आपको हेजिटेशन हो रहा है कि हमें करना क्या है. तो आज का जो सेशन है वो बहुत शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट मतलब लाइक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तो रहेगा ही, बट यस लास्ट मिनट्स जैसे बाकी के सेमिनार्स में 2 घंटे रहते हैं वैसा ये नहीं रहेगा. एंड मेन इंटेंशन ये सेमिनार का यही रहेगा कि जो भी हम लोग सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं फॉर यू बीइंग अवर क्लाइंट, लाइक आप हमारे क्लाइंट्स हैं, इसके लिए जो जो सर्विसेज हम फ्री दे रहे हैं वो सब सर्विसेज के बारे में आपको पता रहना चाहिए. और ये किसमें क्या करना है ये आपका डिसीजन है, बट एटलीस्ट आपको पता रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, सो आज का ये जो पूरा वेबिनार है ये स्पेसिफिकली मोतीलाल ओसवाल और टी स्टॉक मंत्रा के क्लाइंट्स के लिए है. तो आपको जो भी डाउट रहेगा आज एटलीस्ट आप प्रोडक्ट जान लो, जो भी डाउट्स रहेगा आप कभी भी ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हो, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन यू ऑल अवर प्रोडक्ट्स. ओके, तो बहुत कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा बट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे कि बाकी के वेबिनार्स में होता है कि आई पे मोर अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स टू यू और मेकिंग यू अंडरस्टैंड, बट दिस वेबिनार विल बी मोर ऑन द सर्विसेज वी ऑफर. ओके, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि 90-95% लोगों को मालूम ही नहीं रहेगा कि ये सारे फ्री सर्विसेज आपको मिलते हैं हमारे से और आप कभी उसे यूज ही नहीं करते. सो शुड वी बिगिन, लाइक एवरीबडी इज एक्साइटेड, लाइक चालू करते हैं. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड, लाइक किसको एक्साइटमेंट है कि क्या क्या है और हमें मालूम नहीं है. ओके, एंड यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विल बी डिस्कस. जो कभी कभी होता क्या है कि हर एक को फोन पे इंडिविजुअली समझाने में जो बहुत टाइम जाता है वो सब इस बार लाइक दिस सेमिनार विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप सब जो 32 पार्टिसिपेंट्स है, एंड ऑफ कोर्स एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पे 32 पार्टिसिपेंट्स है बट हमारे क्लाइंट्स कई ज्यादा है, तो ये पूरे 3 दिन में स्प्रेड हुए है. ओके, और रीजन यही है कि सबकी टाइम अवेलेबिलिटी मैच नहीं कर पाते और जूम ऐप का जो मिनिमम लिमिट है वो 100 मैक्सिमम लिमिट है वो 100 है. इसके लिए लाइक ये जो वेबिनार है ये 3 दिन स्प्लिट किया गया हुआ है. ओके, सो लेट्स बिगिन. लाइक फर्स्ट जैसे कि होता है हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लाइक हु आई एम. So like my name is Tushar Ghone and I am the founder of T-Stock Mantra Investment, and I am like SEBI registered equity research analyst, and I am a MBA finance, like which is post graduation diploma in financial management, and before that I am a BE mechanical. And like few last years like we were known for multi-bagger stock selections, but abhi mid cap or small cap ka aap sab jante hai band baj gaya. So basically like ye something like I was previously proud for selecting these stocks, but aaj ke tarikh mein ye sabka halat kharab hai. So definitely chalo mid cap small cap nahi move ho raha hai, but I have come up with exciting multi bagger ideas in this session for large cap. Aisa nahi hai ki ye stock aage badhenge hi nahi aur ye sab raste pe aa jayenge.
और उनके साथ हम लोग भी ऐसा कुछ नहीं है, ये मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का प्रॉब्लम है, बहुत सारी सेलिंग चल रही है, तो जस्ट हैव पेशेंस, डोंट गेट पैनिक। अगर आप शेयर मार्केट में आते हो और जब हम लोग हर बार समझाते हैं कि यू शुड हैव पेशेंस, तो आज का ये दिन है और अभी का ये समय है वेर यू हैव टू कीप दैट पेशेंस, ओके। तो इसके लिए प्लीज डोंट पैनिक, ऑल स्टॉक्स आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड दे विल बाउंस बैक। हाँ, बट आज के तारीख में किसी स्टॉक में एवरेजिंग करने मत जाना, क्योंकि वी आर नॉट श्योर ये ऐसी गिरावट कितने दिन तक या कितने महीनों तक चलेगी। तो जस्ट लाइक जो गिर रहा है उसको अपने टाइम दे दो संभलने के लिए, आपका जो फोकस है वो नए डायरेक्शन पे डालो, जो है लार्ज कैप विच आर डूइंग एक्सेलेंट इन दिस सिचुएशन, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर, लाइक वही मैं बताने वाला हूँ इसमें, ये सेशन में, और बहुत सारे और चीजें भी बताने वाला हूँ, ओके। तो ये है हमारा ऑफिस, यू आर ऑलवेज वेलकम बीइंग अ क्लाइंट, कभी भी आ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे वी आर ओपन 8:30 टू 7 o'clock and on Saturdays 9 to 3 o'clock, like we are more than happy to serve you, okay. Or just before hum start kare, like of course most of the logo ko malum hai, bahut sare webinars mein maine discuss bhi kiya hai ki trading aur investing mein difference hota kya hai, but kyunki ye hamara main base hai aage products ke liye, to jisko nahi malum, this is the right opportunity for you to understand what is there in stock market and what are the time frames in which you can trade, like aap kaun se samay ke liye aur kitna trade kar sakte ho ye sab, aur kaun se prakar ka trading kar sakte ho ye sab ek chote se slide mein cover kiya gaya hai, like jo sabse pehle aata hai momentum trading jisko futures mein hum log zyada use karte hai, 15 to 20 minutes ka trade hota hai and 3 या 4 points भी मिल गए तो समझो 4-5 हज़ार मिल गए अगर futures में हो तो we are more than happy, like आधा percent futures में बहुत बड़ा रहता है, तो आधा percent का move भी nothing like that in futures, okay? But आधा percent down भी चला गया तो समझ लो आपके 4 या 5 हज़ार चल गए, तो इसके लिए accuracy बहुत ज़्यादा लगती है, इसके लिए दिन में 2 या 3 trade भी कर लो और अगर सही निकले तो 10-15 हज़ार आपके किधर गए नहीं, जितना इजी लगता है उतना ही ज्यादा रिस्की है, बट दिस इज व्हाट पीपल को लोगों को अच्छा लग रहा है एंड वी आर लाइक कंसंट्रेटिंग मोर ऑन दैट एज वेल। बाद में आता है इंट्राडे, लाइक पूरे दिन ट्रेड रहता है, 1-4% रिटर्न मिलता है और लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक थोड़ा बहुत लाइक जैसे मोमेंटम में टेंस सिचुएशन रहता है वैसे नहीं रहता है इसमें, मोस्टली इक्विटी बेस्ड लॉट साइज के हिसाब से करते हैं, इसको आप फ्यूचर्स में करने के लिए बहुत सारा हिम्मत लगता है, क्योंकि होता क्या है कि 1 या 2% यानी कि फ्यूचर्स में आपके 10-15 हज़ार का स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, सो बेटर जो इंट्रा डे वाले हैं वो फ्यूचर्स में ना करें, अगर करना है तो मैक्सिमम ऑप्शन यूज करें, भले रिस्की है बट जो पैसा लगता है वो कम लगता है, ओके। सो लेटर ऑन लाइक आपके लिए बाद में फ्यूचर्स और ऑप्शंस का भी अलग से ये वेबिनार रखेंगे, बट जस्ट आपको डिफरेंस बता रहे हैं। बाद में जो है तो लाइक लास्ट होल ईयर ये एडवाइजरी का जो बेसिस था वो स्विंग और पोजिशनल के बेसिस पे था, लाइक 2-3 weeks to 2-3 months, तो इसमें भी हमारे बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं जो फ्री है, तो आगे मैं बताने वाला हूँ। And finally, like long-term investment ideas for 1 year or so. So, इसके लिए इसके means like those will be mostly like multi-bagger stocks. और इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो tension कहाँ पे रहता है? Tension जहाँ ये sort of लक्ष्मण रेखा है, left side पे tension ज़्यादा रहता है, ज़्यादा watch करना पड़ता है, but frequent profits कमा सकते हैं। ये इसमें like झट से result लग जाता है, आर या प्यार। एंड पीपल लाइक दिस, क्योंकि दिन में 500-600 की कमाई हो गई तो मोर देन इनफ, और अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो समझो 5,000-6,000 आ गए या 2,000 निकल गए, तो लाइक पीपल कितना भी समझा लो बट लोगों को यही मेजोरिटी लोगों को अच्छा लगता है, तो यानी कि अगर लोगों को अच्छा लग ही रहा है तो देन लाइक फ्रॉम पास्ट 2 महीने से वी आर फोकसिंग मोर ऑन हाउ टू
make this thing work and how to put forward this product to clients theek tarike se, like experts kaise karte hain wo tarike se clients ko kaise samjhaye. To iske liye hum log ne webinar bhi lena chalu kiya hai intraday pe. Strategies bhi hum batate hain, candlesticks ke bare mein bhi batate hain, do's and don'ts bhi batate hain, specialized trainings bhi dete hain. To agar aap mein se kisi ne webinars nahi attend kiya hai to definitely attend kijiye. Like how many of you in the group, like kis kis ne intraday ka webinar attend kiya hai aap mein se? Just puchna chahta hu, just idea aane ke liye, kis kis logo ne intraday ka webinar attend kiya hai? Okay, yes yes, do to kiya hai, I have, okay, teen. So like I am okay, like majority of you have done that. So thoda bahut to aapko intraday ka idea aa gaya rahega ki aisa nahi hai ki just koi bhi stock pe 10 20 30 100 karke haath rakh do, aaya to paisa aaya, nahi to chala gaya. Aisa nahi hai, intraday mein bhi bahut sara concept hai, bahut sare usme bhi techniques hai, strategies hai. It's a game of probability. Aur hum try karte hai ki the odds of winning is more on our side rather than the odds of losing. To hum aisa prayas karte hai ki hamesha jeetne ki, like trade hamare direction pe, humne agar socha ki trade long jana hai, yani ki stock badhna chahiye, तो ऐसे समय पे करो जब ये चांसेस बहुत ज्यादा हो कि ऊपर के डायरेक्शन में स्टॉक जा सके. ओके okay? या फिर उल्टा, लाइक हम लोग ने सोचा कि शॉर्ट करे, यानी कि सेल करे स्टॉक को. तो ऐसी चीज या ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए जिससे कि स्टॉक नीचे जाए. ओके okay? तो ये हो गया इंट्राडे और मोमेंटम. अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं किया है तो डेफिनेटली अटेंड दैट. दो डेढ़ दो घंटे का सेशन रहता है. इट्स हार्डली फॉर 500 रुपीज प्लस GST. एंड लाइक पीपल, यू कैन ऑलवेज टेक फीडबैक ऑफ पीपल हु हैव अटेंडेड इट. एवरी सैटरडे को रहता है, ऑलमोस्ट 20 to 30 पीपल दे अटेंडेड एंड सो फार लाइक पीपल हैव बीन वेरी सेटिस्फाइड. और उसके लाइव प्रैक्टिकल्स हर दिन हम लोग ई स्टॉक मंत्रा के शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड मराठी ग्रुप में भी कॉल्स देते हैं. मोस्ट ऑफ द कॉल्स आर बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट. तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है. ओके तो डेफिनेटली यू कैन गो देयर. कॉल्स वैसे भी फ्री है क्लाइंट्स के लिए, बट कंसेप्ट पता चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब होता कैसे. ओके तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. लाइक ये सब जो पैटर्न्स है, लाइक मोमेंटम, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशन, लॉन्ग टर्म, ये सब के लिए हमारे पास फ्री प्रोडक्ट्स है. दैट आई कैन टेल यू, सबके लिए फ्री प्रोडक्ट्स है. बस आपको आप पोर्टफोलियो में कितना पैसा कौन से प्रोडक्ट में डालना है मुझे यही आज बताना है, और कौन से प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा. ओके तो आज ऐसा नहीं है कि ये सब मैं बता रहा हूँ और मैं, हमारे यहाँ फ्री कुछ भी नहीं है, सबका पेड सर्विस है, ऐसा नहीं है. ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर अवर क्लाइंट्स. बस कमी है तो आपको जानने की ये प्रोडक्ट क्या है और हर एक प्रोडक्ट में मैं कितना पैसा लगाऊं या इन्वेस्ट करूं. ओके या तो पहले तो देखते हैं प्रोडक्ट्स है कौन से. तो अभी जो लेफ्ट साइड है वो मोस्टली इन्वेस्टर्स के लिए है. लाइक मैं तो चाहूंगा कि आपको इन्वेस्टर भी रहना चाहिए, ट्रेडर भी रहना चाहिए. जैसे कि मैं इन्वेस्टर भी हूं, मेरा म्यूचुअल फंड में भी पैसा है, मेरा इक्विटी में भी पैसा है, मेरा PMS में भी पैसा लगा हुआ है, मैं फ्यूचर्स भी करता हूँ, मेरा इंट्राडे में भी पैसा है, मेरा करेंसी में भी है. तो आई हैव डाइवर्सिफाइड माय इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग पोर्टफोलियो. इन्वेस्टमेंट है उसको मैं देखता ही नहीं हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मल्टी एंड मिड कैप के स्टॉक्स है जो हाफ हो गए. फॉर एग्जाम्पल दिलीप बिल्डकॉन है, रेन इंडस्ट्रीज है, बट मैं उसको देख ही नहीं रहा हूँ. लाइक मेरा टाइम होराइजन उसके लिए कम से कम 6 से 8 महीना है. तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टर के रोल पे चले जाता हूँ. और मुझे जिसमें पैसा कमाना है और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जो पहले रहता था ना, जस्ट उधर के उधर रब कर लो और उधर के उधर इंस्टेंट लॉटरी लगी है कि नहीं पता चलता है. तो वैसा अगर मुझे इंस्टेंट रिजल्ट का चीज चाहिए तो मैं ट्रेडिंग में आ जाता हूँ.
और ट्रेडिंग में मैं ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक या दो हफ्ते के ऊपर कोई भी मेरा ट्रेड ना रहे, तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग रूल पे आ जाता हूँ. ओके, और मोस्टली ट्रेड्स इंट्राडे में रहते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो में रहते हैं, या सम ऑफ द ट्रेड स्विंग्स में रहते हैं, निफ्टी और फ्यूचर्स में भी रहते हैं. तो आपको जिस सब के बारे में मैं बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दैट. कुछ पता नहीं चला ये सेशन में तो ऑलवेज यू कैन कॉल अस, मैं समझाऊंगा या मेरे स्टाफ भी समझाएंगे आपको. तो अभी आइए पता करते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कौन से प्रोडक्ट्स हैं. ओके, तो बेसिकली आज के सेशन में लार्ज कैप मल्टीबैगर आइडिया रहेंगे, जो पोटेंशियली 2018-19 के मल्टीबैगर स्टॉक रहेंगे. तो दिस शुड बी इन योर पोर्टफोलियो. टोटली 5 मल्टीबैगर आइडियाज है, एंड बिलीव मी लाइक हमारे पास ऑलमोस्ट सब पीएमएस है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का है, राकेश झुनझुनवाला के अल्केमी का है, कोटक का है, सुंदरम का है, DHFL का है. तो यू विल फाइंड आउट कि हर एक पीएमएस में ये स्टॉक या ये जो सिलेक्टेड स्टॉक्स है वो रहते ही रहते हैं. भले मल्टी कैप पीएमएस रहने दो, बट दीज स्टॉक्स आर द हॉट फेवरेट्स ऑफ ऑल द पीएमएस कंपनीज, विच मींस लॉट ऑफ रिसर्च हैज गॉन इनटू देम. आपको इमीडिएटली 3 या 4 महीने में डबल नहीं होगा, जैसे ग्राफाइट हुआ था, हेग हुआ था, अवंती फीड भी हो गया था, तभी तो आपने बहुत इंजॉय कर लिया. डेफिनेटली वी विल कीप ऑन इंजॉइंग, बट अभी मल्टीबैग ये स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स थक गए, तो थोड़ा उनको रेस्ट करने दो. लार्ज कैप इतने नहीं बढ़ेंगे, लार्ज कैप को डबल होने के लिए कम से कम 1 से लेके 2 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा. बट दे विल ग्रो कंसिस्टेंटली, एंड इतना आपको जोर का झटका नहीं लगेगा, और लगेगा तो भी धीरे से ही लगेगा, क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक्स है. और आपने स्मॉल कैप का अगर स्विंग अपसाइड डाउनसाइड देख लिया है, तो इंश्योर मी लाइक आई लाइक ट्रस्ट मी कि लार्ज कैप हैंड को होल्ड करते वक्त आपको इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा. सो दिस राइड विल बी वेरी स्मूथ राइड इफ यू कीप होल्डिंग लार्ज कैप्स. बट लार्ज कैप में भी हम ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं दैट विल बी अ पोटेंशियल मल्टीबैगर. ओके, तो ये आइडिया मैं बताने वाला हूँ आज के सेशन में. सेकेंड, स्मार्ट ट्रेड डिलीवरी कॉल, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, 4 से 5% भी, क्योंकि आपको मालूम है मार्केट वॉलेटाइल है, तो 10 दिन में मिल जाते हैं, नहीं तो लाइक इफ 10 दिन में नहीं चले तो वी स्विच ऑन टू सम अदर. तो इसके बारे में बोलूंगा. मोतीलाल का प्रोडक्ट है, वेरी हिट प्रोडक्ट. पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग, इसके बारे में भी बताऊंगा. MOST मल्टीकैप स्टॉक, ये भी बताऊंगा आज के इसमें. सो दिस इज ऑल फॉर इन्वेस्टर्स. अभी ट्रेडर्स के लिए क्या है, तो ट्रेडर्स के लिए मिनी फ्यूचर्स है, जिनको दिन में 300 से 500 रुपए कमाने हैं. फ्यूचर्स के है विच आर वेरी रिस्की, लाइक लोग ऐसे है भी बहुत सारे है ग्रुप में, जिनके पास 5 से 10 लाख का पोर्टफोलियो है, या फिर 1 लाख भी हो लाइक इन स्टॉक्स, उस पे मार्जिन लेके उनको फ्यूचर्स करना है. तो थोड़ा डेलिकेट चीज है, लाइक 5,000 आए या 2-3,000 चले गए, सो हम ज्यादा इंकरेज नहीं करते हैं. पहले तो 3 महीना हम पी स्टॉक मिनी फ्यूचर्स में टेस्ट मैच या प्रैक्टिस, लाइक नेट प्रैक्टिस बोलते हैं, वो करवाने को लगाते हैं. ओनली आफ्टर दैट इफ यू आर कॉन्फिडेंट हम फ्यूचर्स के ग्रुप में डालते हैं. रीजन इतना ही है कि हमको हमारे क्लाइंट को लाइफ टाइम के लिए स्टॉक मार्केट में रखना है. ओके, बिकॉज वी ओनली बिलीव कि अगर क्लाइंट ग्रो होगा तो ही हम ग्रो होंगे. तो ऐसा प्रोडक्ट कुछ पिच करना ही नहीं है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसा कोई भी प्रोडक्ट पिच नहीं करना है जिससे कि क्लाइंट का पैसा हाफ हो, या जिससे कि क्लाइंट को सडनली लाइक झटका बैठे. तो फ्यूचर्स इज वन ऑफ दैट थिंग, लाइक मीन्स छप्पर फाड़ के अमीर हो जाओगे या छप्पड़ फाड़ के गरीब हो जाओगे. तो दिस इज लाइक वेरी डेंजरस. वॉरेन बफेट तो बोलते हैं कि दिस इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव. तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही हम लोग आपको इस ग्रुप में डालते हैं फ्यूचर्स वाले. ओके, तो फ्यूचर्स में फिर है निफ्टीज का पोजिशनल कॉल, बैंक निफ्टी का स्विंग कॉल्स, ऑल ऑफ देम आर डूइंग एक्सेलेंट. लाइक मैं बाद में परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा.
ऑप्शन राइटिंग दिस इज ऑल्सो यूनिक थिंग. अगर आप नए हो तो ये सब झंझट में मत पड़ो, पहले से ट्रेनिंग लो, जान लो, पेपर ट्रेडिंग करो. पेपर ट्रेडिंग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि है क्या, तो पेपर ट्रेडिंग बेसिकली इतना ही है कि स्टॉक को या फ्यूचर्स को खरीदना नहीं है, जस्ट फ्यूचर के प्राइस देख के पेपर पे लिखना है जब भी मैं कॉल देता हूँ या मोतीलाल कॉल देता है, और जब भी हम लोग एग्जिट का कॉल देते हैं तो ऐप में चेक करके देखना है कि वो एग्जिट का प्राइस सही है कि नहीं, और बाद में जस्ट पेपर पे कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हो गया. ओके, तो दिस इज कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग. बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है भाई ये पेपर ट्रेडिंग चीज क्या है, तो बेसिकली दिस इज मोक ट्रेडिंग, लाइक झूठ मूठ का ट्रेडिंग, ओनली बेस्ड ऑन रियल प्राइजेस सीन ऑन द मोतीलाल ओसवाल ऐप. ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर अभी तक का, कि इन्वेस्टमेंट के आइडियाज देने वाला हूँ, ट्रेडिंग के आइडियाज बताने वाला हूँ. ओके, तो अभी तक का क्लियर है? लाइक लेफ्ट साइड चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो फोन में, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में कि हमें ये मालूम ही नहीं था या बताया ही नहीं या ऐसे रहता है. लेफ्ट साइड का मेरा जो रहेगा वो इन्वेस्टमेंट का रहेगा, राइट साइड का रहेगा वो ट्रेडिंग का रहेगा. हम चाहते हैं आपको दोनों आना चाहिए, बट फाइनल डिसीजन इज योर्स. पैसा सब में बनता है. ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि आज के तारीख में मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, 10,500 से लाइक 10,400 से पकड़ लो 10,700 के रेंज में घूम रहा है, तो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है. लाइक ऊपर गया तो लॉन्ग कर दो, नीचे गया शॉर्ट कर दो. तो आज के तारीख में पैसा ट्रेडिंग में कमा सकते हैं ज्यादा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बुरा है. इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन लंबा रहता है, मिनिमम 6 से 8 महीना. तो इन्वेस्टमेंट का अपना फायदा है, ट्रेडिंग का अपना फायदा है. ओके, सो लेट्स बिगिन वन बाय वन. तो पहले मैं चालू करता हूँ लार्ज कैप पोटेंशियल आइडियाज के लिए. अगेन लाइक लेट मी नो कि आप में से कौन ऐसे है जिन्होंने मोतीलाल का अकाउंट हमारे यहाँ ओपन नहीं किया है. ऐसा नहीं है कि हम आपको ग्रुप से बाहर निकालने के लिए पूछ रहे हैं, बट जस्ट एक आइडिया आने के लिए कि लेट मी नो कि हाउ मेनी ऑफ यू हु आर अटेंडिंग हियर आर नॉट अवर क्लाइंट्स और मे बी आर थिंकिंग टू बिकम अवर फ्यूचर क्लाइंट्स. कोई है ऐसा ग्रुप में? लाइक ऑलमोस्ट 37 पीपल देयर, कोई तो रहेगा या सब क्लाइंट्स है? बिकॉज लाइक लार्ज कैप मल्टीपेगर स्टॉक्स बता रहा हूँ. ओके ओके, नहीं जो विजय शिंदे जी, आप क्लाइंट है या नहीं है? लाइक यू आर नॉट अ क्लाइंट, राइट? ओके, तो बस दो ही जन है. ओके, जस्ट टू पीपल या और भी कोई है? लाइक ऑलमोस्ट लाइक एवरीबडी इज वेलकम फॉर दिस वेबिनार, बट स्पेसिफिकली वी थॉट कि हाँ. और आप में से ऐसे कौन कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ ट्रेड किया ही नहीं है, जस्ट अकाउंट खोल के रखा है, कुछ कर ही नहीं रहे हो? ऐसे कोई है? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं था प्रोडक्ट के बारे में. कोई भी नहीं है? लाइक एवरीबडी इज एक्टिव इन द स्टॉक मार्केट, इन नॉट एन इश्यू. लाइक बट आप में से ऐसे कौन से है? यस आई एम. ओके, और कौन है लाइक जिन्होंने कुछ किया ही नहीं अभी तक? क्यों? तो मे बी हमको समय नहीं मिला आपको एक्सप्लेन करने के लिए, या हमको टाइम नहीं मिला कि डिटेल में आपसे जान ले कि आपको क्या तकलीफ है या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो लेटर दिस सेशन लाइक डेफिनेटली आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा आई एम हियर टू सॉल्व. ओके, लाइक आपको जो भी तकलीफ होगी, लाइक जो भी हो रही है, या ऐप समझ में नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है. ओके, तो लेट अस गो वन बाय वन. ओके, तो पहले तो ये जो है मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया, तो लाइक लास्ट मीन्स गए हफ्ते इफ यू नो कि मोतीलाल ओसवाल टावर में गया था, एंड वी वेयर ऑल टूगेदर लाइक मोतीलाल ओसवाल की टीम और मैं, और हमको ऐसे 5 पोटेंशियल मल्टीबैगर्स ढूंढ के निकालने थे. ऑफकोर्स उनके पीएमएस की टीम जो है दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, बट 5 ऐसे मल्टीबैगर आइडियाज ढूंढ के निकालने थे विच विल हेल्प पीपल
लाइक की वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और जैसे कि स्मॉल कैप मिड कैप भी वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छे हैं, बट जिस तरह से गिरावट आप देख रहे हैं तो वैसी गिरावट आप में से बहुत लोगों को अच्छी लगती नहीं है. लाइक जो वॉलेटिलिटी जो बोलते हैं ना, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है. तो हमारा इस बार का टारगेट ये था कि ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जो आपको कंफर्टेबली विथ लेस मूवमेंट अप एंड डाउन आपको आपके पैसे डबल करने में मदद करे. ओके, बट ऐसा नहीं है कि आज मैं ये जो स्टॉक बोल रहा हूँ तो आप 100% उसमें ही इन्वेस्ट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि टोटल पाई मल्टीबेगर आइडिया है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, या एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 year और 2 years, जिसमें आपका पैसा डबल हो सकता है. बट फिर से मैं बोलता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल मिस्टेक क्या करते हैं कि मैंने आज एक मल्टीबेगर स्टॉक का आइडिया बता दिया और आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 10,000 रुपए या समझो 1 lakh rupees, तो आप जाके इमिडिएटली पूरे 1 lakh में वो स्टॉक खरीद लेते हो. सो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, लाइक वो बिल्कुल करना नहीं है. तो एंड ऑफ द सेशन आपको रुकना है, कहीं कहीं जाना नहीं है, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे ये टाइम के लिए वो भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ. तो भले आपको मेरा प्रेजेंटेशन बोरिंग लगे, बट आपको लास्ट स्लाइड तक तो रुकना ही है. और ऑफकोर्स आपको जो भी डाउट्स हो उसके लिए तो मैं हूँ ही इधर, तो लास्ट 15 to 10-20 minutes आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करने के लिए मैं रहूंगा. सो पहला जो पोटेंशियल मल्टीबैगर है दैट इज कोटक बैंक. कोटक बैंक, महिंद्रा कोटक बैंक. ओके, कोटक महिंद्रा बैंक. तो ये हम लोग ने क्यों, ऐसे 5 multibaggers है. ओके, बट पांचों के पांच मैं आज नहीं बताने वाला हूँ, ये आपके लिए ही. लाइक इसमें मैं कुछ पैसे लगाने वाला नहीं हूँ या कुछ भी ये नहीं है, ये सब क्लाइंट्स के लिए ही है और ये आपके पोर्टफोलियोज में दिखने चाहिए, डेफिनेटली दिखने चाहिए. बट रीजन मैं सिर्फ आज एक बता रहा हूँ, रीजन इतना ही है कि ऐसे सब स्टॉक्स है हमारे पास, ऐसे सब स्टॉक्स है जो हम आपको बताते हैं और इसमें आपको रेगुलर बाइंग करनी है. ओके, तो एक सेशन रखेंगे प्योरली फॉर क्लाइंट्स, सब 200-300 जितने भी क्लाइंट्स है सबके लिए, प्योरली टू डिस्कस लार्ज कैप मल्टीबैगर्स आइडिया. बट आज ये प्रोडक्ट का मैं जस्ट एक सैंपल दिखा रहा हूँ और वो है कोटक बैंक. ओके, तो कोटक बैंक क्यों खरीदनी चाहिए, तो पहला तो असेट क्वालिटी बहुत अच्छा है. लाइक नो लोन्स आर देयर विच आर बैड लोन्स. लाइक विजय माल्या जी का आपको पता चल ही गया रहेगा कि क्या हो गया, बाद में नीरव मोदी है, बाद में बहुत सारे ऐसे है जो पैसा लेके बात है. बट व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बैंक इज कि उदय कोटक जी जो है वो 50 crore के ऊपर लोन जो भी सैंक्शन होता है उसको पर्सनली इवेल्युएट करके खुद के सिग्नेचर के बिना नहीं छोड़ते हैं. तो अगर ओनर खुद जो लोन सैंक्शन हो रहा है उसमें इतना ध्यान दे रहा है, अभी आप देखो तो SBI में 6,000-10,000 crore के लोन किसी के साइन के नीचे से जाते हैं पता नहीं है, बट हमेशा वो बैड लोन्स होते हैं. ओके, इलेक्ट्रो स्टील को दे दिया, बहुत सारे कंपनीज को दे दिया, जो ओनर्स लेके कब भाग जाते हैं उनको भी नहीं पता चलता. बट ये बैंक का ऐसा नहीं है, 50 crore के ऊपर का जो भी फाइल आता है उसको उदय जी खुद वेरीफाई करते हैं. सो क्वालिटी ऑफ द असेट, जो लोन का बुक है बहुत बढ़िया है अभी तक तो एटलीस्ट. मार्केटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, अगर आप देखो तो 811 का उनका जो एड आ रहा है तो उससे बहुत सारा क्लाइंट्स का खींचे आ रहे हैं. और आप अगर देखोगे तो आपके एरिया में, इफ यू आर इन मुंबई और नवी मुंबई और थाने एरिया, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो 3 या 4 kilometers के दायरे में एक कोटक बैंक तो आपको दिखेगी ही. इनफैक्ट लाइक नवी मुंबई में भी, ऐरोली Sector 8 में भी एक कोटक बैंक है, मैं मुलुंड गया था उधर भी मुझे दिखी, वाशी में भी दिखी. तो उनका रीच बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड लाइक क्वालिटी ऑफ सर्विस इज वेरी गुड. और सेकेंडली क्या है कि सिर्फ बैंक नहीं है, कोटक के म्यूचुअल फंड्स है, AMCs जिसे हम कहते हैं, बाद में कोटक के
और क्या है, तो लाइफ इंश्योरेंस है, बाद में कोटक सिक्योरिटीज है, तो ये सब अभी तक एक ही अंडर चल रहे हैं। तो इमेजिन करो कि जैसे अभी HDFC लाइफ अलग से जिसका लिस्टिंग हुआ, तो वैसे अगर इन सब का अलग लिस्टिंग हो गया तो आप जस्ट इमेजिन करो कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है ये कंपनी को ग्रो करने का। तो ये सब जो चीज है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प दिस कंपनी टू ग्रो फॉरवर्ड। और अगर आप देखोगे तो शेयर नीचे आ ही नहीं रहा है, टेक्निकली भी बहुत बहुत स्ट्रांग है ये, मैं फंडामेंटली भी नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 1-2 साल से आप देखोगे तो ये नीचे रिट्रेस हो ही नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली भले धीरे गति से बट ऊपर 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 बढ़ते जा रहा है। एंड जो मोतीलाल ओसवाल और बाकी के रिसर्च एनालिस्ट का एक्सपेक्ट मीन्स एस्टिमेशन है, अगर आप देखोगे तो इनका कहना है कि ऑलमोस्ट लाइक नेट प्रॉफिट 2 साल में डबल होने वाला है। लाइक ऑलमोस्ट FY20 का आप देखोगे तो 89 करोड़ का उनका, 89,048 करोड़ का, 8,948 करोड़ का उनका एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट है, विच इज टू गुड। फिलहाल 4,670 है। ओके तो एंड मोतीलाल हैज देयर कन्विक्शन, लाइक ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मोतीलाल से उनके रिसर्च टीम से ये आया हुआ है, ऑलमोस्ट 400 to 500 डेडिकेटेड रिसर्च एनालिस्ट है। मैंने मोतीलाल का PMS खरीदा हुआ है जो 25 लाख का है, और उनके PMS में भी मुझे ये स्टॉक दिख रहा है। तो लाइक जो वो बोलते हैं वो उनके कन्विक्शन में भी दिख रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बट 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं है, या फिर बीच में ही मार्केट डाउन हो गया तो होल्ड करूं क्या, नहीं करूं क्या, अगर कुछ तकलीफ प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे, मोतीलाल के रिसर्च टीम बताएंगी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो इसके लिए हमको एग्जिट मे भी करना पड़े, बट ऐसा होने के चांसेस कम है क्योंकि वेल रिसर्च्ड है, 8 महीने उन्होंने इस पे रिसर्च किया है, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। और ऐसे और 4 मल्टीबैगर आइडिया है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है। ओके दैट आई विल बी लेटिंग यू नो, बट आज के सेशन में नहीं। ये लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर के बारे में आइडिया आया, सो दिस वी विल कीप ऑन फ्रीक्वेंटली इन्फॉर्मिंग यू, और आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा पोर्शन तो भी इसका रहना ही चाहिए। ओके तो एवरीबडी इज अवेयर लाइक क्या चल रहा है, लॉन्ग मीन्स मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया, एक जो मैंने बताया दैट इज कोटक बैंक। ओके सो एवरीबडी इज अवेयर, लाइक सबको आइडिया आ गया कौन सा है ये मल्टीबैगर स्टॉक, कुछ डाउट इसमें? दिस इज अ लार्ज कैप स्टॉक, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा इसको, एटलीस्ट 1-1.5 साल, बट डेफिनेटली विदाउट झटके खाते हुए ये स्टॉक बढ़ेगा। मेजॉरिटी PMS में है ये, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके मोतीलाल एक्चुअली हैज टोल्ड 3 ईयर्स। ओके बट मेरा अंदाजा है कि जिस हिसाब से इसका चल रहा है तो आप 1-2 साल में ही आपका पैसा डबल हो जाएगा। ओके एंड 3 ईयर्स ऑल्सो इज नॉट एट ऑल अ बैड होल्डिंग पीरियड टाइम और अ लॉन्ग होल्डिंग पीरियड टाइम। अगर 3 साल में भी आपका पैसा डबल हो रहा है तो आप डेफिनेटली 25% से हर साल कमा रहे हो। ओके तो होल्डिंग टाइम एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स, क्लियर राइट? अभी नेक्स्ट है कि लोग बोलते हैं इतना 2 साल 3 साल होल्ड करूंगा ये तो मुझे होगा नहीं, लाइक क्योंकि हमेशा वी आर लाइक इन्वेस्टर बन जाते हैं, कभी ट्रेडर बन जाते हैं, हाथ में खुजली होना चालू हो जाता है, क्या करूं क्या करूं, स्टॉक पड़ा है DP में, बढ़ नहीं रहा है, मार्केट ऊपर है, मेरा स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, मैं क्या करूं? तो इन लोगों के लिए है प्रोडक्ट MOST स्मार्ट ट्रेड। ओके सो पहले तो ये कौन जनरेट कर रहा है, ये मैं नहीं जनरेट कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं योगेश मेहता जी जो CNBC एनालिस्ट है, मोतीलाल ने उनके साथ टाई अप किया है, उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि आपके भाई कितने कॉल सही जा रहे हैं उस हिसाब से आपको आपकी इंसेंटिव्स मिलेंगी। ओके पेमेंट मिलेगी, तो डेफिनेटली ऐसे नहीं है कि मीन्स
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ नहीं है कि जस्ट ट्रेडिंग करते रहो, क्लाइंट का पैसा खाते रहो, ये सब बिल्कुल नहीं है। वो जो भी देंगे तो इसमें उनकी भी कमाई बंधी हुई है, तो ही विल ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द बेस्ट स्टॉक्स। ओके, अभी तक के इतने स्टॉक्स जो दिए हैं, दे हैव ऑल परफॉर्म्ड वेल, 4-5% फायदा हो गया है सब में, वी वेर ट्रैकिंग इट, आपको नहीं बताया बिकॉज वी वेर नॉट श्योर अबाउट द प्रोडक्ट, बट यस पिछले 2 हफ्ते से मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा हूँ, दे आर डूइंग एक्सेलेंट। HDFC था, मैकडोवेल था, SRF था, IGL का भी ऊपर जाके रिवाइज स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट लाइक इट वॉज इन प्रॉफिट। टाटा मोटर्स अगर आप आज के तारीख में भी देखो, आज का मूवमेंट, इट इज इन प्रॉफिट। ओके, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेड आप बोल सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आपको चाहिए कितने, ये लैक्स में गलत लिखा है, ये 30,000 रुपीज आपको मिनिमम तो भी चाहिए। हर स्टॉक्स में लाइक एट अ टाइम 3 कॉल्स मिलेंगे, ओके, एट अ टाइम 3 कॉल्स हमेशा रनिंग रहेंगे, आपको हर एक कॉल में 10-10,000 इन्वेस्ट करना है। ओके, 4-5% प्रॉफिट मिला तो निकल जाना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी निकल जाना है। ओके, टोटल साल में 72 कॉल्स आएंगे मोतीलाल के यहाँ के पास से, और मिनिमम 6 ट्रेड्स होंगे आपके पर मंथ, या अप टू यू, लाइक अगर आपको चाहिए आप कम भी ले सकते हो, बट अराउंड दैट हमारे से कॉल्स आते रहेंगे, और उसमें लिखा रहेगा MOST स्मार्ट ट्रेड। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में और थोड़े डिटेल जानते हैं। बेसिकली ये टेक्नोफंडा स्टॉक्स है। टेक्नोफंडा का मतलब है कि फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही, क्योंकि दैट हैज बीन रिसर्च बाय मोतीलाल ओसवाल रिसर्च टीम। तो उनकी जो 500-600 की रिसर्च टीम है, वो 6,000 स्टॉक्स में से सिर्फ 40-50 स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, और 300 स्टॉक्स रिसर्च यूनिवर्स में रहता है। तो ये वही 300 स्टॉक्स में से रहेंगे, दैट इज वेल रिसर्च, और ऐसे टाइम पे जाएंगे जब दे आर टेक्निकली अबाउट टू ब्रेकआउट, और टेक्निकली ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो दीज आर टेक्नो फंडा स्टॉक्स जो मैं पहले अपने एडवाइजरी में देता था, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, तो मैं क्या देता था, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। तो प्रॉफिट मेकिंग का रीजन इतना ही था कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन अप ट्रेंड। तो फाइनली मोतीलाल ओसवाल हैज ऑल्सो रिकग्नाइज लाइक दिस इज द थिंग विच पीपल आर मोर इंटरेस्टेड, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एट टेक्निकल ब्रेकआउट और टेक्निकली अप ट्रेंड। तो उन्होंने खुद का भी अपना एक प्रोडक्ट निकाला, एंड फॉर दैट दे हैव हायर्ड अ एनालिस्ट योगेश मेहता हु इज फ्रॉम CNBC। ओके, अगर बाई चांस आप भूल जाए पोजिशन कट करने के लिए, और आपको लगे अरे मैं फंस गया आप स्टॉक होल्ड करके, तो वैसा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज इन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल कवरेज यूनिवर्स। तो दीज आर वेल रिसर्च फंडामेंटल स्टॉक, तो अगर कुछ गलती हो गई थोड़ी बहुत तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ज्यादातर ना करें, बट बाई चांस अगर गलती हो गई तो ऐसे नहीं कि इमिडिएटली पेनी स्टॉक हो जाएगा। एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने बता ही दिया कि 4-6% गेन, स्टॉप लॉस 1.5-2% रहेगा, मैक्सिमम 3%, बट नॉर्मली हम लोग यहाँ से अलाउ नहीं करेंगे इतना ज्यादा स्टॉप लॉस। एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आइदर लाइक मिनिमम गेन अगर स्टॉप लॉस हिट गया तो, या फिर अगर 10 दिन तक स्टॉप हिला ही नहीं तो डेफिनेटली वी विल लुक इनटू इट कि आपका पैसा भी बेकार नहीं जाना चाहिए, तो वी विल रिकमेंड सम अनदर स्टॉक। ओके, बी मींस मोतीलाल ओसवाल, एंड होल्डिंग पीरियड इज अप टू 10 ट्रेडिंग सेशंस। सो रिस्क मॉडरेट टू हाई ऑफ कोर्स, बिकॉज स्विंग में है तो कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है तो रिस्क तो रहेगी। सो एनी डाउट अबाउट दिस MOST स्मार्ट ट्रेड, हमारे यहाँ से आपको ट्रेडिंग क्लाइंट के अंदर ये आते रहेगा इसके कॉल्स, और लिखे रहेंगे कि MOST स्मार्ट ट्रेड का कॉल है, तो डेफिनेटली जैसे बता रहा हूं यहाँ पे वैसे आपको करना है।
ओके तीन स्टॉक्स रनिंग रहेंगे एट द टाइम. मिनिमम अगर 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है तो 30,000 ये प्रोडक्ट के लिए आप रख सकते हो और 10-10,000 हर एक में इन्वेस्ट कर सकते हो. ओके तो कुछ भी डाउट है इसके बारे में, मार्केट वॉलेटाइल है तो 4 या 6% प्रॉफिट में हमको निकल जाना है. ओके अगर कुछ डाउट रहेगा MOST स्मार्ट ट्रेड जस्ट याद रख लो, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन यू इन दिस. जस्ट ऑफिस में कॉल कर दीजिए. ओके ये है MOST मल्टी कैप पोर्टफोलियो. लाइक बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए, एक ही स्टॉक में सब बाय कर लेते हैं. तो ये जो है ये मोतीलाल मंथली आपको बताता है. बट होता क्या है कि ये प्रोडक्ट आप अगर देखेंगे तो इट्स लाइक एटलीस्ट फॉर अ 1 ईयर और सो. ओके तो इसमें भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है. ओके फैसिलिटी अवेलेबल है. बेसिकली ये दिखाने का रीजन यही था कि फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है. अगर आपको 6-7 महीने के लिए एक अच्छा मल्टी कैप पोर्टफोलियो बनाना है तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो एटलीस्ट देख तो लो कि मोतीलाल ओसवाल ने अपने मल्टी कैप पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स रखे हैं. अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन MOST मल्टी कैप ये है ऊपर वाला, MOST वेलोसिटी है नीचे वाला. ओके मोस्ट वेलोसिटी किसके लिए है, फ्यू मंथ्स होराइजन के लिए और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए. MOST मल्टी कैप किसके लिए है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 ईयर एंड अबाउट टाइम होराइजन. रिस्क प्रोफाइल अगेन इज मॉडरेट. इसमें कौन से स्क्रिप्ट है, कितना परसेंटेज वेटेज होना चाहिए सब दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, कैंपिन होम्स 5% ही टोटल पोर्टफोलियो. अगर आपके पास 1 लाख है और समझो 50,000 उसमें आपको मल्टी कैप पोर्टफोलियो बनाना है आपको, तो 50% के 5% कितने हुए, 50,000 के 5% कितने हुए. ओके 50,000 के 10% कितने हुए. समझो आपको जी एंटरटेनमेंट करना है तो 10% आपको डालना है 50,000 के, तो उसके 10% कितने हुए. जस्ट वांटेड टू चेक लाइक 5,000 राइट. तो ऐसा करके आप अपना खुद से मल्टी कैप पोर्टफोलियो बना सकते हो. मोतीलाल ओसवाल इज गाइडिंग यू इन दैट. अगर आप देखोगे तो PC ज्वेलर्स बहुत गिर रहा था लास्ट टाइम, तो इमिडिएटली दे हैव पुट आउट दिस स्टॉक. पहले PC ज्वेलर्स वॉज वेरी स्टेबल, इट वॉज इन देयर मल्टी कैप पोर्टफोलियो, बट ये निकल गया. ओके नया कौन सा आया, तो ओबेरॉय रियलिटी. ओके तो मोतीलाल ऑल्सो पे मच अटेंशन ऑन दिस. हर महीने के महीने ये आते रहता है, लाइक वी विल बी सेंडिंग यू. ओके अगर आपको लगता है इसमें रखना है, यू आर मोस्ट वेलकम. मोतीलाल से हर महीने को आपको अपडेट मिलेगा. अगर इससे भी थोड़ा एग्रेसिव चाहिए तो मोस्ट वेलोसिटी है. अगर आप देखोगे तो टेक महिंद्रा, रिलायंस, RBL बैंक, फेडरल बैंक, टाटा मोटर्स का एग्रेसिव पोर्टफोलियो है जिसमें और 45% कैश में है. तो 45,000 या 45% कैश में है, तो 10-10,000 आप इसमें भी डाल सकते हो. फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, इट्स अप टू यू टू डिसाइड. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मोतीलाल से ये सब मिल रहा है. ओके अगर ये भी नहीं करना है तो और एक अच्छी चीज है कि आपके ऐप में ही आवर रिकमेंडेशंस में आप जाके देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक्स उन्होंने रिकमेंड किया है बाइंग के लिए और परसेंटेज अलोकेशन कितना चाहिए वो भी लिखा है. मेरा कर्सर अगर आप देखोगे तो पता चलेगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 5% बाय कर लो, लार्सन एंड टूब्रो 10% बाय कर लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% बाय कर लो, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इट्स द डार्लिंग अमंग इन्वेस्टर्स फॉर नाउडेज, तो बहुत हिट चल रहा है. और रिकमेंडेड प्राइस क्या है, रिकमेंडेड डेट क्या है वो भी दिया हुआ है. और MBP मतलब मैक्सिमम बाइंग प्राइस, लाइक ये प्राइस के ऊपर आपको नहीं बाय करना है, तो दैट ऑल्सो इज गिवन. तो कभी कभार आपके मोतीलाल ओसवाल ऐप को आप खोल भी लीजिए, मीन्स ओपन भी कीजिए, वहां पे बहुत सारे एक्साइटिंग चीजें हैं. कभी कभी आप ब्राउज भी कीजिए तो आपको आइडिया ये सब आ जाएगा. रीजन मेरा यही है कि आपको बताने के लिए कि ये सब फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है. कभी कभार इफ यू आर नॉट श्योर, लाइक सर कुछ भी बोलते हैं या ये
मेरे हिसाब से ये चलने वाला है, तो आप यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज मोतीलाल ओसवाल्स ओपिनियन ऑन दिस टॉक. ओके, सो एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट मोस्ट मल्टी कैप पोर्टफोलियो, मोस्ट वेलोसिटी, और आपके जो ऐप में पोर्टफोलियो बनाने के सजेशन दिया है अबाउट दैट. ओके, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू एटलीस्ट देख लेना, तो कुछ जाता नहीं है उसमें. अभी ये एक एक्साइटिंग है, लाइक पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग. बहुत सारे लोग हैं जो मोतीलाल में आते हैं और हमें पूछते हैं कि हमारे पिछले स्टॉक्स का हम क्या करें. लाइक बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स के यहाँ से लिया हुआ है, या बहुत सारा स्टॉक्स बहुत साल से होल्ड किया है, कुछ मूव नहीं हो रहा है. तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज देयर टू सजेस्ट. बट आपके जब भी ऐप में ये आपके वो डीपी से ये डीपी में आ जाते हैं मोतीलाल के, तो यहाँ पे एक एक्साइटिंग फ्यूचर है पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग. इट्स अ रोबो वेल्थ एडवाइजरी, यानी कि एल्गोरिदम ही आपको बता देते हैं, लाइक रोबोट्स ही आपको बता देते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा मोतीलाल का पोर्टफोलियो है. तो अगर आप इसमें देखोगे तो 80% तो PMS ही है, बाद में बहुत सारा और रिकमेंडेशन है जो इन्होंने दिया हुआ है. ओके, इक्विटी भी है, म्यूचुअल फंड भी है मेरे. तो लाइक दे आर रिकमेंडिंग. सो कभी कभार आपका भी पोर्टफोलियो, इफ यू वॉन्ट टू रिस्ट्रक्चर बाई योर सेल्फ, कि मोतीलाल का क्या ओपिनियन है आपको सुन के रोबो एडवाइजरी का, तो यू कैन ऑलवेज गो टू मोतीलाल ऐप और आवर रिकमेंडेड पोर्टफोलियो दबा के यू विल गेट अ कम्प्लीट रिपोर्ट. इसको आप मेल भी कर सकते हो. हर एक स्टॉक के बारे में सजेशन भी मिलेगा बाय एल्गोरिथम्स. तो ऐसा नहीं है कि हमको आप पूछना नहीं है, इसके लिए हम ये सब शॉर्टकट बता रहे हैं. ये स्टडी करने के बाद आप हमारा भी ओपिनियन पूछ सकते हो, लाइक मेरा भी ओपिनियन पूछ सकते हो. बट ये तो क्या है, अगर आपको रात को 12 बजे चेक करने की इच्छा हुई कि मेरा पोर्टफोलियो कैसे हो रहा है या मुझे टेंशन आ रहा है, तो ये टाइम पे तो आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हो. तो एटलीस्ट दिस थिंग विल बी देयर फॉर यू टू हेल्प कि ऐसे ऐसे आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, तो वेदर इट्स गुड या यू नीड सम रिस्ट्रक्चरिंग, दिस रोबो एडवाइजरी विल टेल यू, विच इज प्रोवाइडेड बाय मोतीलाल ओसवाल. ओके, तो कितने लोगों को मालूम था कि ये फैसिलिटी है? हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दैट दिस फैसिलिटी वॉज ऑलरेडी अवेलेबल इन मोतीलाल ओसवाल ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग योर पोर्टफोलियो? ओके, अशोक खेड़कर जी, गुड. नो आइडिया, चेक. ओके, गुड. तो थोड़ा बहुत देख लो, लाइक डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल. इतना अच्छा ऐप बनाया, एडवाइजरी बनाई है, तो बैठे बैठे रोबो भी बोर हो जाएगा. ओके, तो यूज दिस, लाइक इफ यू फील गुड, लाइक ट्राई दिस. ओके, सो नाउ कमिंग टू इंट्राडे. ओके, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट बनाया क्यों है, लाइक बेसिकली अगर आप नंबर्स देखो तो प्रॉफिट वैल्यू 300, लॉस वैल्यू 250. लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग इंट्राडे मिनी फीचर्स, लाइक जिसको हम टी स्टॉक मिनी फ्यूचर्स बोलते हैं. आप में से कोई कौन ऐसे है जो फॉलो कर रहे हैं टी स्टॉक मिनी फ्यूचर्स? एवरी डे 3 कॉल्स, 3 इंट्राडे कॉल्स, आज के तीनों कॉल्स हिट हो गए? नॉट ऑलवेज. लाइक रीजन क्या है, आप बता सकते हैं? लाइक व्हाट इज द रीजन, लाइक क्यों ये चालू किया है, स्टॉक मिनी फ्यूचर्स चालू किया गया है? इफ एवरीबडी, इफ एनीबडी हु इज ट्रैकिंग राइट फ्रॉम बिगनिंग, तो आपको आइडिया आ जाएगा ये क्यों किया है. कोई बता सकता है कि व्हाई दिस थिंग, लाइक व्हाट हैपेंड? पहला हम लोग तो फ्यूचर्स कर रहे थे, सडनली ये क्यों किया? एग्जैक्टली, लाइक दिस इज बेसिकली फॉर लर्निंग. अशोक केडकर जी ने परफेक्टली बताया कि दिस इज, ऑफकोर्स अविनाश जी भी सही बता रहे हैं कि दिस इज फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस. बिकॉज व्हाट वी फाउंड आउट, 99% ऑफ टाइम आपको स्टॉप लॉस लगाना ही भूल जाते हो, या फिर आपको वो पेशेंस ही नहीं रहता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा पता नहीं, या आप इमोशनली इतना डिप्रेस होते हो जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो कि आपके 3,000-3,000 कट रहे हैं.
So that is the reason, like futures में आप directly, futures is like आप means MBA की पढ़ाई कर रहे हो, like PhD कर रहे हो, और आपको first और second में अभी तक idea ही नहीं है कि ऐसा कुछ school में रहता है, first standard, second standard. तो basically futures, which is our ultimate goal, तो उसके पहले आपको ये 3 महीने का कोर्स इन मिनी फ्यूचर्स कंप्लीट करना ही है. अगर आपने ये नहीं किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट अलाउ यू टू डू फ्यूचर्स. रीजन इतना ही है, मैं बार बार बताऊंगा कि वी वॉन्ट यू अवर होल हार्टेड इंटेंशन एंड विच वी थिंक डे एंड नाइट इज फॉर यू टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट. ओके, सो डेफिनेटली इफ यू स्टे यू अर्न इन स्टॉक मार्केट, इफ यू क्रिएट वेल्थ देन वी विल ऑल्सो प्रॉस्पर. अगर क्लाइंट खुश रहेगा, क्लाइंट पैसा कमाएगा, तो उनके साथ डेफिनेटली हम भी थोड़ा बहुत कमा लेंगे. ओके, तो दैट इज द मेन इंटेंशन. तो आपको अगर फ्यूचर्स में मैंने करने लगा दिया और पहले दिन समझो 5,000 प्रॉफिट हो गया, उसके बाद 10,000 लॉस हो गया, तो आप नहीं आओगे फ्यूचर्स में. तो ये प्रोडक्ट इसलिए है कि आप डिसाइड करो कि वेदर आप बने हो फ्यूचर्स के लिए या आप बने हो इंट्राडे के लिए कि आप नहीं बने हो. ओके, एक बार आजमा लो कि आपके पास वो ट्रेडर की इमोशनल कंट्रोल या इमोशनल पेशेंस या जो भी है वो है कि नहीं. अगर नहीं है, निकल जाओ ट्रेडिंग में से, मत करना. स्टिक टू इन्वेस्टमेंट्स, दोज आर द बेस्ट कंफर्टेबल. अगर इन्वेस्टमेंट में भी डायरेक्ट इक्विटी में डर लगता है, आप हमारे पास आओ, वी विल टेल यू द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स. मोतीलाल के ऐप से ही आपका म्यूचुअल फंड करवा देंगे. स्टे टेंशन फ्री एंड स्टे हेडेक फ्री. मत ये करना, म्यूचुअल फंड से भी 20%, 15 से 20% हेडेक फ्री बन जाते हैं. वी आर हियर टू अर्न मोर देन दैट. ओके, तो इंट्राडे का आइडिया आपको सबको आ गया. ये क्यों है? मैक्सिमम 3 to 4 इंट्राडे कॉल्स. 5,000 भी नहीं टूटेंगे इसमें, लाइक वी आर ट्राइंग, अभी तक तो नहीं टूटे हैं. लाइक गड़बड़ हमारे या हो क्यों रही है कि हमको बैच ऑर्डर डालना पड़ता है और बैच ऑर्डर में टाइमिंग की गड़बड़ हो जाती है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स बोल रहे हैं हमको टाइम नहीं मिलता, आप ही हमारे लिए करो. बट बैच ऑर्डर में 50 और 60 ट्रेड्स एक बार डालना, यानी कि इमेजिन कि कितना काम है. तो दैट इज वाई गड़बड़ हो रही है. बट अगर ये आप खुद से करोगे मोतीलाल ऐप से, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे. आई कैन अश्योर दैट. और आज का ही कॉल देख लो कि तीनों के तीनों प्रॉफिट में थे. सो द थिंग इज कि आपको जितना आप खुद से करोगे, आपको जो भी गाइडेंस लगेगा, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. बट अगर हम लोग, अगर आपको नहीं जम रहा है, तो स्टार्ट में वी हेल्प यू बाय आपका ट्रेड हम करवा देते हैं. ऑफकोर्स आपको कंफर्मेशन भी आता है कि हमने कॉल डाला है, बट ये आपको अपने आप से करना पड़ेगा. ओके, ब्रोकरेज फॉर इंट्राडे इज फॉर 100 रुपीज 5 पैसा. ओके, सो दिस इज द ब्रोकरेज. अगर आप बहुत ज्यादा करते हो, सो डेफिनेटली कोई कोई क्लाइंट्स के लिए हम लोग ने रिड्यूस भी किया है. बट इनिशियली ये ब्रोकरेज ज्यादा इसके लिए है क्योंकि आपका हर एक ट्रेड हमको मॉनिटर करना पड़ता है. एंड इनफैक्ट लाइक अगर आप ICICI डायरेक्ट या HDFC में से कर रहे हो, तो ये उनके बराबर ही है. और आप खुद अगर ICICI डायरेक्ट में कर रहे हो, तो यू कैन इमेजिन कि कितना ये रहता है. नो, इट्स लाइक ऑन बाय साइड. 100 रुपीज के लिए 5 पैसा बाय साइड, 100 रुपीज के लिए 5 पैसा सेल साइड. ओके, तो ऐसा है. ओके, क्वेरीज पार्ट लाइक वी विल डिस्कस लेटर. लाइक जो भी रहेगा सेशन के एंड में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. इसमें कुछ डाउट है. लाइक मेन इंटेंशन इज डेली अर्निंग एंड लर्निंग बिफोर पुटिंग गोइंग इनटू फ्यूचर. तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक कुछ डाउट है क्या? ओके, तो इफ एनीथिंग यू वांट मोर, यू आर ऑलवेज वेलकम. कॉल कर सकते हो. एंड टेलीग्राम ऐप में दिन के 3 कॉल्स तो रहते ही है,
ज्यादा कॉल्स इसके लिए नहीं देता हूँ क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो जाता है एंड देन मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है और आप देखोगे कि जब मैं ज्यादा ट्रेड देता हूँ तो आई ऑल्सो लाइक कभी कभी ज्यादा कॉल्स फेल हो जाते हैं. तो दैट्स वाई लाइक दो या तीन कॉल एट द मोस्ट 10 बजे चालू करते हैं और 12-1 बजे तक हम लोग निकल जाते हैं. तो हार्डली 3 घंटा बैठना है और ट्रेड करके निकल जाना है, पूरे दिन नहीं बैठना है. ओके दिस लाइक मीन्स ये तो बाद में की चीज है जब भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बट बहुत सारे जस्ट टू मेक यू अवेयर कि बहुत सारे लोग हमारे क्लाइंट ग्रुप में भी है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. ओके तो क्या क्या कर रहे हैं मैं ये भी बता देता हूँ. पहला तो वो कर रहे हैं हमारे फ्यूचर ग्रुप्स में जो कॉल आते हैं वो कर रहे हैं. बाद में हमारे रोबो एडवाइजरी से अभी निफ्टी के कॉल्स आने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में. बैंक निफ्टी जो कि बहुत चल रही है, वेरी हॉट फेवरेट अमंग द ट्रेडर्स, उसके भी कॉल्स आने वाले हैं. स्टॉक कॉल्स इन फ्यूचर्स ग्रुप तो आ ही रहे हैं, पिछले 5 कॉल्स दिए हुए थे फ्यूचर्स ग्रुप में, मुझे लगता है आज का ही एक कॉल फेल गया, उसके पहले चारों कॉल्स हैड हिट द टारगेट, लाइक इट वाज इन प्रॉफिट. तो ये बहुत अच्छा ये है फ्यूचर्स का. लाइक कम कॉल्स रहते हैं, दिन में एक रहते हैं, कभी कभी नहीं भी रहते हैं, बट द इंटेंशन इज लाइक टू मेक श्योर शॉट प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल. ओके BTH की stocks we were doing in paper, but अभी इसके बाद में options में रहेंगे, like 7,000 to 8,000 का जो भी वो amount रहेगा उतने options में we can do BTH की. तो धीरे धीरे BTH की भी आएगा, क्योंकि reason is BTH की में either आपको delivery लेना पड़ता है, इसको intraday का brokerage नहीं लगता है, या फिर आपको options और futures में ही BTH की कर सकते हैं. तो, और उसमें भी delivery में आप ये दिन आज सेल कल बाय नहीं कर सकते. तो इफ यू वांट टू सेल टुडे एंड बाय टुमारो तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको डेरिवेटिव ही लेना पड़ेगा, आइदर ऑप्शन और फ्यूचर. अगर आप स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए सेल करोगे, आपके डीमैट में उतना स्टॉक है ही नहीं, तो पेनल्टी बैठ जाएगी एंड दैट पेनल्टी इज हेफ्टी. तो वैसे सब काम मत करना. ओके ऑप्शन में चला जाता है, बहुत हेडेक होता है. तो इंट्राडे में सेल करोगे तो वही टाइम पे बाय भी करना है, अगले दिन के लिए ट्रेड ओपन नहीं छोड़ना है. एंड इफ यू आर डूइंग इंट्राडे बेटर डू इट इन वैल्यू प्लस और मार्जिन प्लस, क्योंकि 20 टाइम्स मार्जिन मिलती है. ओके और ऑफ कोर्स मैंने बताया भी है इंट्राडे में कि कैसे ये होता है. और अगर वो नहीं अवेलेबल है किसी किसी स्टॉक्स में तो आप इंट्राडे ऑप्शन में अगर करते हो तो 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, बट उसको वही दिन में स्क्वायर ऑफ करना है. ओके तो एवरीबॉडी इज क्लियर कि ये सब प्रोडक्ट्स है, अगर इफ यू आर स्टार्टिंग न्यू इसमें आपको नहीं जाना है. एंड सेकेंडली ये सब चीज के लिए मार्जिन जो लगती है फ्यूचर्स के लिए, अगर आपके डीपी में पैसा है, समझो 1 लाख का स्टॉक्स है, तो ये स्टॉक्स पे भी आपको मार्जिन मिल सकती है. अंडरस्टूड राइट? तो ये स्टॉक पे भी आपको मार्जिन मिल सकती है, आपको एडिशनल मार्जिन की जरूरत नहीं है. तो ये है मोतीलाल का परफॉर्मेंस फॉर पास्ट 6 मंथ्स. कुछ नहीं करना है, उनके जस्ट कॉल्स को फॉलो करना है. लाइक वो जब भी बोलते हैं निफ्टी बाय करो, निफ्टी का फ्यूचर, तो बाय करना है. जब भी बोलते हैं सेल करना है तो सेल करना है. तो टोटल इन मंथ ऑफ दिसंबर 5 कॉल्स उन्होंने दिए थे, 4 पॉजिटिव हुए थे, 1 नेगेटिव हुआ था. पॉजिटिव ट्रेड्स में 83,000 कमाए, नेगेटिव ट्रेड में 10,000 लॉस किया. तो टोटल कितना कमाया ये दिसंबर 17 को, मीन्स 2017 दिसंबर को 72,000. ओके बाद में अगर आप देखो तो मार्केट वॉज इन वॉलेटाइल कंडीशन. तो टोटल जनवरी में 2 ट्रेड दिए, 1 पॉजिटिव था, 1 नेगेटिव था. और उसमें भी आप देख सकते हो कि जनवरी में भी 21,000 कमाए, फरवरी में 1 ही ट्रेड दिया जो नेगेटिव था, 12,000 चले गए. मार्च में 2 ट्रेड दिए, दोनों पॉजिटिव थे. अप्रैल में 1 ट्रेड दिया, दोनों एक ही वो पॉजिटिव निकला. और मई में भी 2 ट्रेड दिए, दोनों नेगेटिव निकले, बट जो गए वो 16,000 लॉस हो गया. तो टोटल आफ्टर ब्रोकरेज एंड नेट नेट
छह महीने में हमने 1 लाख कमाए. ओके, तो दिस इज निफ्टी परफॉर्मेंस, निफ्टी फ्यूचर्स जो कॉल हमारे से आते हैं. ओके, मोतीलाल से. इनफैक्ट मैं ये नहीं जनरेट कर रहा हूँ, मोतीलाल की एडवाइजरी जनरेट कर रही है. ओके, सो आई विल बी जस्ट पासिंग इट ऑन. ओके, बट ये पोजिशनल में है, लाइक महीने में एक या ज्यादा से ज्यादा 2-3 ही कॉल आएंगे. ये वीकली कॉल्स नहीं है, ये पोजिशनल कॉल्स है. ओके, तो जब भी मोतीलाल बोलता है बाय करो एक, तो आपको एटलीस्ट अगर ट्राई करना है तो पहले पहले एक लॉट से ट्राई करो फ्यूचर्स के, जिसके लिए मार्जिन लगती है राउंड अबाउट 65,000. ओके, तो ये जैसे जैसे वो बताते हैं बाय करना है सेल करना है, एटलीस्ट 4 से 5 महीने का टाइम दे दो. ओके, एंड दिस इज व्हाट यू कैन गेट, लाइक दिस इज देयर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड. बैंक निफ्टी में भी वैसे है, पर बैंक निफ्टी का वीकली कॉल आता है, एंड बैंक निफ्टी बहुत लोगों को पैसे रिच भी बना, मीन्स अमीर बना रही है, और बहुत लोगों को गरीब भी बना रही है. तो इट्स ऑन अस कि कितने जल्दी हमको अमीर बनना है या गरीब बनना है. बट बैंक निफ्टी इज द हॉट फेवरेट अमंग द ट्रेडर्स, जो कि मैं नहीं करता था, बट वी हैव स्टार्टेड टू कॉन्सेंट्रेट इन अ मच फोकस्ड मैनर ऑन दिस स्टॉक, दिस बैंक निफ्टी स्टॉक और बैंक निफ्टी डेरिवेटिव इनफैक्ट, बिकॉज बहुत पैसा है, बस सही तरीके से कमाना हमको आना चाहिए. तो इसका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो दिसंबर 2017 में 5 कॉल, जनवरी में 2, टोटल 19 कॉल्स, और टोटल कमाया कितना आफ्टर ब्रोकरेज 1,52,000. तो 6 महीने में 1.5 लाख कमाए फ्रॉम, लाइक दिस इज ऑल मोतीलाल ट्रैक रिकॉर्ड. So they will be sharing these calls with us. So whoever is interested, but again my humble request, agar aapne nahi kiya hai, to pehla at least T-Stock Mantra mini futures kar lo, uske baad ye sab dekhna. Okay? So if you are unaware, like Madam Shraddha, if you are unaware, better like first have the complete knowledge of it, paper trading karo, उसके बाद भी कुछ करना नहीं है, उसके बाद में मिनी फ्यूचर्स करना है टी स्टॉक का, उसके बाद में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी करना है. मार्केट गए 10-15 साल से इधर ही है, और अगले 30-40 साल भी किधर जाने वाला नहीं है. तो कुछ हरी करने की जरूरत नहीं है, या कुछ जो बोलते हैं भगदड़ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट पेशेंटली पहले स्टडी करो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद ही ये सब प्रोडक्ट्स में ट्रेड करो. Because it's again like weapon of mass destruction. आपको wealth छप्पर फाड़ के create करके देंगे, या छप्पर फाड़ के आपका wealth, जो भी savings है वो लेके जाएंगे. तो इसको सही तरीके से use करना आना चाहिए. Okay? So like again one of the thing like what you get from us, like totally we have a team, like 2 dealers है, बाद में 2 एडवाइजर्स है जो हमेशा आपका ट्रेड चेक करते रहते हैं. इफ यू लाइक आर श्योर, इफ यू आर अवेयर, जो हमारे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इमिडिएटली अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हमारे से स्टॉप लॉस क्या रिक्वेस्ट के लिए कॉल आ जाता है, या आप एक्सेसिव ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉस में हो, तो हमारे से कॉल आता है कि ट्रेडिंग मत कीजिए, यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और या स्टॉक मिनी फ्यूचर्स में ही आप रहिए, या आपका ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, तो वी ट्राई टू सॉल्व दिस आल्सो, लाइक मार्जिन प्लस कैसे यूज करना है, ऐप कैसे यूज करना है, वी गिव ऑल दिस ट्रेनिंग. आपका ट्रेडिंग हैबिट्स में क्या गड़बड़ हो रहा है, दैट आल्सो वी मॉनिटर. तो दीज ऑल फैसिलिटीज डेफिनेटली आपको किधर भी नहीं मिलेगा, ना ही प्रीमियम ब्रोकिंग सर्विस में मिलेगा, ना ही डिस्काउंटेड सर्विस ब्रोकिंग में मिलेगा. एंड दिस डेफिनेटली यू शुड गो फॉर, बिकॉज इनिशियली आपको ब्रोकरेज कम ज्यादा काम नहीं आने वाला है, इनिशियली आपको ट्रेनिंग काम आने वाली है, वेदर इट्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपका ब्रोकरेज हार्डली 100 में मैक्सिमम पर ट्रेड 50 पैसा हो सकता है मैक्सिमम, बट आपका लॉस 100 में 30-40 रुपया भी हो सकता है. तो लोग करते क्या है कि दे डोंट पे मच अटेंशन टू द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स और द व्हाटएवर लाइक इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड, रादर देन दैट
ब्रोकरेज की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं एंड फाइनली ब्रोकरेज भी नहीं रहता है और अमाउंट इन्वेस्टिंग अमाउंट भी नहीं रहती है. तो दिस इज लाइक व्हाट इज नॉट टू बी डन एट द बिगनिंग ऑफ योर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करियर. तो अगर आपके दिमाग में है कि कम ब्रोकरेज के चक्कर में मैं उधर चला जाऊंगा, मैं अपने आप से करूंगा, तो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि मेजॉरिटी पीपल लाइक व्हाट वी हैव रिसर्च मार्केट से पहले 3 महीने में ही इसके लिए चले जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस. एंड वी हैव स्टूड इन द मार्केट फॉर सो मेनी ईयर्स ओनली बिकॉज we have burnt our fingers many times, we have again learned, we have again faced problem and now like we are aware kya chal raha hai market mein. Okay, so this thing you need our guidance or you need anybody's expert's guidance. Agar koi ye sab aapko free mein dene ke liye like minimum brokerage mein dene ke liye ready hai ye sab product, so definitely you can go for. But if you are like a novice or like a beginner, definitely you should avail all these facilities. Okay, so ye tha, I think. Okay, and one more important thing, like how should be your portfolio. Ye bahut important cheez hai, like almost this is the last slide of mine. So samjho aapke paas 1 lakh hai, so what you will do, like 1 lakh rupya aapke paas total investment amount, to isme kya daloge? If you have seen lot of my literature or lot of my articles or जो भी है like जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ like 1 lakh है तो आप कैसे portfolio split करोगे? If anybody has spoken to me या like मेरा suggestion लिया है तो how do I tell them like कैसे portfolio बनाना है? Hello, hello, ये सुनाई दे रहा है आपको? Like मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था इतने टाइम. हेलो, नहीं मैं यस यस नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि नहीं लिसन तो ठीक है बट मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि इफ यू हैव स्पोकन टू मी तो मैं क्या बोलता हूं. अगर 1 लाख है तो आपको कितना किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आप बोलो ही मत कि मैंने बताया नहीं है, लाइक ऐसा होगा ही नहीं. लाइक डाइवर्सिफाइड ठीक है बट 20% क्या? नॉट पुट इन आवर सेक्टर वाइज, नहीं दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई टेल. इफ यू आर बिगनर, आई हैव पोस्टेड मेनी टाइम्स ऑन वेब लाइक शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड ग्रुप में भी ये पोस्ट किया है. ये तो नॉट पुट ऑल एग्स इन वन कैरेट, ये तो वॉरेन बफेट भी बोलता है. कैश 30,000, ये तो मैंने कभी बताया नहीं था. 10% इन म्यूचुअल फंड, नहीं लाइक तुषार वेलिंगकर है got it right, but 10% तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ. What I told is that if you are a beginner, then at least like कुछ मालूम नहीं है फिर भी आना है तो 60-70% म्यूचुअल फंड में डालना है. If you have heard me correctly, आप कोई भी पिछला हुआ ये देख लो मेरा, अगर first 1 year at least 60-70% in mutual fund. Like how many of you have heard this like from my like from me? Many times I tell this again and again. Like और reason आपको मैंने बहुत बार बताया, the reason is कि first 1 महीने में आप हमेशा investing trading में बहुत गलती करोगे and during this time the intention is that you have to stay in the stock market. पहला 1 साल आपको डटके रहना है. तो भले आप investing में गलती कर दो but your mutual fund will help you to stay invested. Okay, जो भी loss आपके 30% stock portfolio में होगा that can be covered or will be covered by your mutual fund investments. क्योंकि mutual funds are one of the safe assets to have in this time. Okay, और जब ये 2017 में भी मैंने यही बोला है, ऐसे नहीं कि अभी small cap mid cap गिर गया तो मैं mutual fund का cover ले रहा हूँ कि mutual fund करो. मैंने हमेशा कहा है कि मेरा आज भी 50% या अराउंड दैट पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में ही है. ओके, एंड द रीजन इज कि आई ऑलवेज बिलीव कि ऐसा कुछ पोर्टफोलियो रहना चाहिए विच इज डिसीजन इज टेकन बाय एक्सपर्ट्स हु आर लाइक कंट्रोलिंग द मेजर मार्केट फोर्स. तो ठीक है, आई ऑल्सो मे बी वेल एजुकेटेड अबाउट स्टॉक मार्केट, मेरे पास 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का AUM नहीं है जो म्यूचुअल फंड वालों के पास होगा. ओके,
So if you are totally not aware about mutual fund, you can always contact us. We will guide you in and out of mutual fund. But ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरे क्लाइंट से जिन्होंने जिससे जिससे मैंने बात किया, मैंने उनको बोला है, इफ यू आर न्यू टू द मार्केट, आपको मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना है एंड लेट योर इक्विटी पोर्टफोलियो ग्रो टू एन एक्सटेंट कि आपका वो जो 60% है या 70% है दैट बिकम्स 30-40%. ओके, सो अगर मैंने नहीं बताया है या आपने नहीं सुना है, सो दिस इज द टाइम अगेन टू टेल यू एटलीस्ट 35-40% तो म्यूचुअल फंड में आपको डालना ही है. ओके, तो अगर आपके पास 1 लाख है तो 35-40% म्यूचुअल फंड में डालिए. दिस इज व्हाट आई फील. अगर इससे ज्यादा भी डालना है आई हैव नो इश्यूज. सिप तो आपको करना ही है म्यूचुअल फंड में, लाइक वॉट एवर 5-10 हजार आपका सिप बनता है, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू सिप इन म्यूचुअल फंड. ओके, like remaining what you can do is, so whatever multi-bagger ideas which we are going to tell long term, short term ke liye agar rehta tha to main ye itna 20-25% nahi bolta tha, but kyunki these are rock solid large cap stocks and their time horizon is 2-3 years, so aap isme bhi aapke 1 lakh mein se 20-25 hazar 5 stocks mein 5-5 hazar karke dal sakte ho. Okay, like ek stock mein 5% of your portfolio. Okay, which will be total like 25%, 5 stocks. We are going to tell you which are the 5 stocks. Aaj maine ek aapko bata diya tha, which was Kotak Bank. We will definitely tell you remaining 4, but not this week, in coming week. Okay, so 20-25% multi-bagger stocks mein. Then if you want, like still if you are aggressive, aapko thoda bahut quick money ki aadat lagi gayi hai, so you can always invest in MOST Smart. Like this is also like one of the safe way to like do trading. Okay, थोड़ा ज़्यादा amount है, but like this is what I feel. आपको अगर कम लगना, आप चाहते हो कि कम invest trade करना इस पे, तो 5-5 हजार भी डाल सकते हो 1 लाख के portfolio में. And remaining 5-10% you can put in intraday commodities and currencies. If you want to put 5%, nothing like ऐसा कुछ नहीं है कि आई वुड बी फोर्सिंग कि करो करो करो. 5% से भी करोगे तो भी चलेगा, बट यू शुड बी अवेयर कि इससे भी पैसे बनते हैं इफ यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर. ओके, वेदर इट्स योर कप ऑफ टी और नॉट, इसके लिए आपको थोड़ा तो उसके बारे में आजमाना चाहिए. इफ यू फील कंफर्टेबल, डेफिनेटली अनदर सोर्स ऑफ इंस्टेंट कैश फ्लो कैन बी जनरेटेड, बट थोड़ा बहुत पेन्स भी है. इट्स लाइक गाड़ी सीखते वक्त, वॉट एवर इट हैपन्स. एमओएसटी स्मार्ट, इफ यू आर नॉट अवेयर, तो पिछला प्रेजेंट मीन्स अभी मैंने कवर किया था, तो आई कैन ऑलवेज लाइक हेल्प यू. लाइक कल आप कॉल कीजिए हमारे ऑफिस में, लाइक ऑलरेडी बिकॉज ये कवर हो गया है, तो इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट 2 big slides, तो वी विल लेट यू नो टुमारो. लाइक नंदा किशोर पवार जी कल बता देंगे आपको. तो दिस इज वॉट आई फील, बट डाइवर्सिफाई होना again that is the best thing. Okay, not an issue, like we'll let you know tomorrow. So this is like end of my presentation. Agar aapko kuch bhi doubt hai to ye number copy kar lijiye and we will be more than happy to help you, and definitely we are at your service. Mid cap, small cap, I fully understand ki down chal rahe hai, but aap ye dhyan rakhiye ki when there is absolute panic and absolute chaos in the market, when there is a blood on the street, on Dalal Street, that is the time when veteran investors like Warren Buffett come into the market and buy stocks in bulk. Okay, so of course hum log Warren Buffett nahi hai, hamare paas itna courage, itna conviction nahi hai, but at the same time ye market mein hum itna hi kar sakte hai ki frustrate na hoye, एजिटेट मत होइए, एंजाइटी मत रखिए, स्टे काम. बिजनेस ऑफ ऑल द स्मॉल कैप एंड मिड कैप का एक्सेलेंट, स्टॉक को बढ़ना ही है, थोड़ा टाइम दीजिए, ये समय भी चला जाएगा. एंड वंस व्हेन ऑल दिस स्टॉक्स गो इन अप ट्रेंड, हम डेफिनेटली आपको बता देंगे कि ये टाइम है कि अभी आप ये स्टॉक्स बाय कर सकते हैं
अगेन इट्स अप टू यू, अगर आपको बाय करना है आप बाय कर सकते हैं, और एटलीस्ट यू कैन लाइक फील कंफर्टेबल कि चलो अभी आप ट्रेंड चालू हो गया है तो थोड़े बहुत तो पोर्टफोलियो रिकवरी हो जाएगा. ओके, तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. अभी आपके जो डाउट्स है यू कैन लेट मी नो. लाइक पहला तो देखता हूँ कितना टाइम खाली है आपका, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था 45 मिनट्स लूंगा बट एज यूजुअल होना नहीं चाहिए, अगेन डेढ़ घंटा हो गया, बट सॉरी फॉर दैट. लाइक हमेशा ज्यादा बात कर लेता हूँ. या सो एनीबडी लाइक एनी क्वेश्चंस? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है. दिस इज नॉट द टाइम टू ऐड एनी स्मॉल कैप और डू एवरेजिंग. अभी तो बताया कि कोटक में करो और बहुत सारे स्टॉक्स है उसमें करो, बट स्टे लाइक थोड़ा सा अभी तक कंश्योर नहीं हुआ है कि अगेन यस लाइक डीबीएल एक्सेलेंट स्टॉक. लाइक अगर देखो तो डीबीएल वॉज वन ऑफ द बुक शॉट लाइक वॉरेन बफेट सॉर्ट ऑफ स्टॉक. क्यों? तो अर्ली कंप्लीशन ऑफ द रोड्स, तम 2 साल के लिए ऑर्डर बुक फुल है. ओके, खुद के रोड इक्विपमेंट्स है तो कहीं भी किससे भी जाने की जरूरत नहीं है. ओके, बट हो क्या रहा है ये मार्केट में, क्योंकि इट्स अ मिड कैप टू स्मॉल कैप कैटेगरी तो स्टॉक बीटिंग ले रहा है. ओके, दिस इज द मेन रीजन कि डीबीएल लूज क्यों हो रहा है. ओके, अगेन बीच में न्यूज निकली थी कि ऑडिटर्स ने रिजाइन कर लिया या ऑडिटर्स आर नॉट विलिंग टू डू, दिस इज ऑल नॉनसेंस. सूर्यवंशी जी ने, आई थिंक दिलीप सूर्यवंशी उनका ये नाम है, तो ही हैज ऑलरेडी टोल्ड कि ऐसे सब कुछ नहीं है. थोड़ा बहुत सब्सिडरी को बेचने के वजह से लॉस हुआ है, बट ओवरऑल नेट नेट प्रॉफिट में ही है. नीचे क्यों गिर रहा है? नीचे इसके लिए गिर रहा है क्योंकि पूरा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ही गिर रहा है. ओके, तो एज सच स्टॉक स्पेसिफिक इतने कुछ भी कंसर्न्स नहीं है. ओके, कैन वी बाय इन लार्ज कैप्स टू रिकवर द लॉस इन मिड कैप? एग्जैक्टली दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. अभी लार्ज कैप पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड कोटक है और 2-3 स्टॉक्स है जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा. तो दीज आर द स्टॉक्स यू हैव टू एड इन टू पोर्टफोलियो During this time. अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन कॉल अस. ओके, और क्या था? IDFC बैंक क्यों लेना है? क्यों IDFC बैंक लेना है जब कोटक बैंक है, HDFC बैंक है? दीज आर लाइक फैंटास्टिक बैंक, सब फॉरेनर्स या FIIs उसको लेके बैठे हैं. तो वाई यू वॉन्ट टू अगेन IDFC या ऐसे सब चीज में जिसका कभी 5% ऊपर चला जाता है, कभी 10% नीचे चला जाता है. तो फॉर टाइमिंग जस्ट इग्नोर IDFC बैंक, कोटक बैंक इज द बेस्ट. अगर लगे तो RBL बैंक या कर्नाटका बैंक भी देख सकते हो, बट स्टिल द टॉप फेवरेट ऑफ PMS पीपल आर कोटक एंड HDFC ओनली, लेट मी टेल यू. हाँ, मोतीलाल का RBL बैंक इज ऑल्सो इन द PMS लिस्ट, मैं बता देता हूँ अप फ्रंट. बट हाई कन्विक्शन वेन यू गो ये, और इंडसइंड बैंक भी उनके PMS में है. तो इंडसइंड है, कोटक है, HDFC है, DCB बैंक है, बट आई हैव नॉट स्टडीड, बट हाई कन्विक्शन आर HDFC एंड कोटक. ओके, राइट. ASM लिस्ट, व्हाट इज दैट लाइक? मालूम ही नहीं है. हाँ, एडिशनल सर्वेलियंस मेरे पास नहीं है, बट दिलीप बिल्डकॉन, रेन इंडस्ट्रीज, एवरीबडी हैज कम इन टू द ASM लिस्ट. Why it's 20% up? Because it was 40% down. That's why it is 20% up today. So this will happen. एक-एक चुन-चुन के जो भी stocks गिरे हुए हैं वो ऊपर उठने वाले हैं, but आपको patience रखना है. That is what you have to do. Okay? Definitely सब stocks ऊपर आएंगे, but you have to have the patience. You can always call in the office and take app training. कितने लोगों को app use करने ही नहीं आता? Like, बता सकता है आप में कितने लोग हैं जिनको app use ही करने को नहीं आता? All of you are welcome. Like, पहले तो हमारा video देखिए, हमारा PPT देखिए,
जो हमने बनाया है ऐप ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद भी डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली यू कैन कॉल अस, वी आर ऑलवेज देयर टू टीच यू द ऐप. कुछ भी डाउट है, नॉट एन इश्यू. लाइक और जिनके जिनके ऐप में प्रॉब्लम हो रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड द लिस्ट टू मोतीलाल. कुछ 200-300 क्लाइंट में 10-15 लोग हैं जिनके ऐप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो दे विल पर्सनली अटेंड यू. लाइक लास्ट फ्राइडे व्हेन आई वेंट टू मोतीलाल, उनको ये सब इश्यूज बता दिया था. तो सनी आहूजा देयर ऐप मैनेजर, ही विल बी लाइक ही हैज नोटेड दिस थिंग पर्सनली एंड ही इज गोइंग टू पुट हिज टेक्निकल टीम टू वर्क. और मे बी आपसे उनके यहाँ से आपको कॉल आएंगे एंड दे विल लाइक बी मॉनिटरिंग योर ऐप इन लाइव मार्केट कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है. ओके, सो एनी अदर थिंग विच लाइक आई कैन हेल्प यू टू एड्रेस, लाइक कुछ चीज जो मैं आपको चाहिए हमसे, या एनी थिंग विच आपको लगता है जो बीइंग अ क्लाइंट अभी तक बताया गया नहीं है, एनीथिंग लाइक विच आई कैन हेल्प. बस कुछ नहीं, लाइक दैट्स इट. और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या व्हाटसोएवर, नॉट श्योर. ऑलमोस्ट परफेक्ट, 1.5 घंटा हो गया है. लाइक ओके, आई थिंक लाइक दिस इज इट. लाइक हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, इंफॉर्मेटिव लगा? लाइक आपको सब प्रोडक्ट्स जो थे उसके मालूम मिल गई, मीन्स मालूमात मिल गई, क्या आपको ये सेशन प्रोडक्टिव लगा? So were you happy? Okay. Thanks a lot. Thanks. Okay. So any other thing which you have not understood, like Nandakishore Pawar ji ko chahiye tha ki MOST smart kya hai, you can always call us tomorrow. How to subscribe to for this product? Madam, all these products are free for you if you are a Motilal Oswal client. तो अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे है तो आपको टेलीग्राम में ये सब आएंगे. ओके, थैंक यू किशोर दौड़ जी. लाइक डेफिनेटली वी विल ट्राई टू कीप मोर एंड मोर ऑफ सच वेबिनार्स एक्सक्लूसिवली फॉर आवर क्लाइंट्स, मोतीलाल ओसवाल क्लाइंट्स, बिकॉज आई एग्री कि हर एक जन से हमको बात करने को नहीं मिलती है. आई होली एग्री, लाइक we try to talk to our clients but hame kabhi kabhi nahi milta hai wo mauka, kyunki almost there are 200 to 300 clients. So itne sare clients se baat karne ko, sirf trading clients, advisory clients to totally alag hai. So like we will keep such sessions more frequently, aur is beech mein agar you want to talk with us, you can always call us in our office, we are always available there. Thank you, madam. Like office team also very helpful. Thanks. You have like you can always put in for everyone. So, baki ko bhi idea aa jayega. Right now it's in private message. Okay, Shilpa Dabke. Yes. Mini futures we put orders by ourselves. Aur ek cheez main batana chahta hu. Mini futures ke orders we put for clients, but the performance is not up to the mark. रीजन इज 25, 30 या 50 बल्क ऑर्डर डालने में बहुत तकलीफ होता है, सो टाइमिंग में गड़बड़ी हो जाती है. तो मिनी फ्यूचर्स इफ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, डेफिनेटली यू कैन फॉलो अस, लाइक यू कैन मिमिक, लाइक हमारे जैसे ही जितना हम टेलीग्राम में प्रॉफिट दिखाते हैं उतना ही प्रॉफिट आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है इफ यू डू इट बाय योरसेल्फ. अगर हम करते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, या कभी कभी बहुत ज्यादा बल्क ऑर्डर होने की वजह से एक आध दूसरे लोगों को लॉस भी हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग चूक जाता है, टाइमिंग में गड़बड़ हो जाती है. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप वो कई लोगों में से आप एक या सॉरी वो एक या दो लोगों में से आप हो तो आप नाराज हो जाओगे. इसके लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि वी विल गिव यू फुल ट्रेनिंग on how to do T-stock mini features on the app. Only request is you should try to do it by yourself. पहले पहले दिक्कत होगी, but later on once you
गेट फैमिलियर, वो बाइसिकल चलाने जैसा है, एक्सपर्ट हो जाओगे. ओके okay? For any webinar, just a request about three things: index page, summary page, revise important points 2 to 3 times. Okay, index page तो मैंने दे दिया था. Summary page कैसे बनाऊं? Because index page itself is a summary page, and revise important points 2 to 3 times in the last. Okay, so Do you people want the summary of the webinar? Like, आपको webinar की summary चाहिए? How many of you like कुछ miss हो गया है, कुछ चाहिए? Totally like 1 minute में summarize करूं? Is anybody interested? Like 1.5 घंटे के बाद किसी को और मेरे बारे में मेरा बकबक सुनने की इच्छा है तो बोलूं या yes good no problem करे? अभी भी सुनना है? Okay. Okay. बहुत सारे लोग हैं. So basically, like the intention of this webinar was कि आप में से बहुत सारे clients हैं जिसने यहाँ पे account open तो बहुत excitement में किया था, but after that because of some reason, I am not saying कि आपसे गलती हो गई है, but हमारी भी कुछ गलतियाँ हो गई है कि we were not able to reach you effectively, like हमको हमारे products आप तक ठीक से पहुँचाने को नहीं आए. इसके लिए आपको आइडिया नहीं आया कि स्टॉक मार्केट में करना क्या है आपको. तो दिस वेबिनार वाज बेसिकली एक मिनट ओके सो दिस वेबिनार वाज बेसिकली एक मिनट इसका तो भी माइक चालू है या ओके सो दिस वेबिनार वाज या ना अभी ब्रेक नहीं होगा सो दिस वेबिनार वाज स्पेसिफिकली फॉर द न्यू क्लाइंट्स विच आर नॉट एक्टिव ओके और रीजन यही है कि बिकॉज हमको भी हमारे प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाने नहीं आए सो वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ प्रोडक्ट्स एक जो प्रोडक्ट है कुछ प्रोडक्ट्स है वो इन्वेस्टर्स के लिए है जैसे आप देख लो तो अवर मल्टीबैगर स्टॉक आइडियाज ओके देन एमओएस की ये अपना स्मार्ट विच इज अगेन इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट बाद में हमारे पास और बहुत सारे फैसिलिटीज है फॉर इन्वेस्टर्स फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग आपके प्रोडक्ट आपके पिछले जो स्टॉक्स है उनको क्या करना है इफ यू डोंट नो लाइक दिस पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग विल हेल्प इट ये है वो स्लाइड देन वी हैव एमओएस की मल्टी कैप स्टॉक पोर्टफोलियो जो मोतीलाल ने खास आपके लिए बनाया हुआ है Which are the best 15 stocks they feel that you should have? So, आप अगर किसी का guidance नहीं लेना चाहते, you are happy with Motilal Oswal's advice, you can go with that. MOST multi-cap stock, all the stocks are well researched. Multi-cap portfolio है, यानी कि large cap भी रहेंगे, small cap भी रहेंगे, but time duration is around 1 year. And every month they give update of this multi-cap stock portfolio. Okay, so this was in the kitty for long-term investors. Then what we have for trading clients, we have T-stock mini futures, intraday product है. Reason यही है कि जैसे आपको 10वीं 12वीं के exam के लिए अगर attend करना है तो पहला junior KG, senior KG में तो आना ही है. उसके बाद जा सकते हो. So definitely this is from junior KG to standard 9th education what we give in T-stock mini futures. 10,000 rupees bhi bahut zyada hote hai. You can come with 5,000 rupees and believe me, paisa nahi tukta hai isme. But
जिंदगी भर में का नॉलेज आपको मिल जाएगा. व्हाट इज ट्रेडिंग ऑल अबाउट. दिन में तीन कॉल्स आते हैं, आज के तीनों कॉल हिट हो गए. ऑन एन एवरेज दो कॉल हिट होते हैं, एक एक हाथ बार स्टॉप लॉस हिट होता है. कैसे करते हैं, इफ यू आर नॉट अवेयर यू कैन अटेंड अवर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वेबिनार विच इज फॉर 500 rupees प्लस GST, लाइक 706 तक हो जाता है. इट्स 2 hour सेशन, बहुत इंफॉर्मेटिव है. यू कैन आस्क पीपल हु हैव अटेंडेड इट. तो दिस इज की स्टॉक मिनी फ्यूचर्स ऑल अबाउट. फ्यूचर का ग्रुप भी हमारा है, ऐसे नहीं है कि वी डोंट डू फ्यूचर्स, बट इट इज फॉर सिलेक्टेड क्लाइंट्स. 15 clients ही अभी तक क्वालिफाई हो गए हैं उसमें. वाई? बिकॉज दे हैव द पेशेंस, एक्सपर्ट है, एक दो साल से कर रहे हैं, लॉस झेलने की आदत हो गई है जैसे कि प्रॉफिट कमाने की आदत हो गई है. ओके, इतने साल, एक साल से है तो प्रॉफिट कर ही रहेंगे. ओके, तो दिस इज लाइक अभी तक 5 calls दिए, 4 calls हिट हो गए, 1 call फेल हो गया. बट लाइक वी गिव वेरी स्पेसिफिक कॉल्स विथ हाई प्रोबेबिलिटी. ओके, मोतीलाल ओसवाल से निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स भी आने वाले हैं. निफ्टी पोजिशनल के महीने में एक हाथ या दो बार, ट्रैक रिकॉर्ड एक्सीलेंट है. पिछले 6 महीने से उनके कॉल्स जो फॉलो कर रहा है, उन्होंने 1 lakh कमाया है. आपने देखा भी होगा कि कैसे कमाया है, पूरे कॉल्स का डेटा आपके पास दिखाया गया था. बैंक निफ्टी इज नाउअडेज डार्लिंग अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स, सॉरी ट्रेडर्स. एक्सेलेंट प्रोडक्ट, बैठे बैठे 10,000-15,000 एवरी थर्सडे को छप जाते हैं. वेरी गुड फॉर स्विंग, हफ्ते भर का रहता है, हर हफ्ते मोतीलाल का कॉल आता है. लाइक अगर हम अपना कॉल देंगे देन वी विल मेंशन इट दैट की स्टॉक कॉल है. मोतीलाल का कॉल रहेगा तो मोतीलाल का रहेगा. 6 महीने में 1.5 lakh कमाए गए हैं. वेरी गुड प्रोडक्ट, बट ओनली इफ यू आर एक्सपर्ट इन इट. अगर नहीं है तो टी स्टॉक मिनी फ्यूचर्स चुपचाप कर लो 3 महीना तो भी, बिकॉज पहले 3 महीने में ही आप समझ जाओगे कि आपकी ट्रेडर मेंटालिटी है या आपकी इन्वेस्टर मेंटालिटी है. तो दिस 3 months जस्ट डू टी स्टॉक मिनी फ्यूचर्स. ऑप्शन राइटर्स 95% कॉन्फिडेंस टी स्टॉक मिनी फ्यूचर ग्रुप्स में डाला हुआ है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट वर्क्स. पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ. 1 lakh पे हर महीने 5 या 6% छूट जाते हैं. 95% कॉन्फिडेंस का प्रोडक्ट है मोतीलाल का. कैसे करते हैं ये सब डिटेल अभी मैं नहीं बता सकता, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो पिछले 4 महीने 3 या 4 महीने के ऑल द ऑप्शन राइटिंग कॉल्स हैव वर्क. टेक्निकली वेरी सेफ, बट स्टिल यू हैव टू हैव करेज. 1 या 2% चांस है कि लॉस हो सकता है, बट इट इज वेल डिवाइस प्रोडक्ट. ओके, BTST बाय टुडे सेल टुमारो, ये भी कॉल्स है जो आप देख सकते हो टी स्टॉक में रहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो कैसे करना है. तो सब कुछ एक ही इसमें नहीं डालना है. यू हैव टू मैनेज योर पोर्टफोलियो. दिस इज द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, वो एक मैं दिखा देता हूँ. लाइक यू कैन नोट इट डाउन. This is what I feel should be your portfolio. Again, if you are a very conservative investor, mutual fund or multi-bagger stocks ka portfolio bada do. If you feel you are a very aggressive investor, intraday ka aur MOST smart ka percentage bada do. So this is what I feel is a balanced approach, but depending on your trading habits or your trading, trading traits. उस हिसाब से लाइक आपकी आपको क्या लगता है आप कैसे ट्रेडर हो, अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज दिस. ओके, तो दिस वाज अ ब्रीफ जस्ट अबाउट अभी तक क्या हुआ, क्या बताया. एनीथिंग एल्स यू कैन ऑलवेज कॉल मी और कॉल अवर स्टाफ, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. तो आई थिंक अभी तो कवर कर लिया राइट सर, या अभी भी कुछ करना बाकी है? क्लियर राइट? ओके सर, फोर्थ स्लाइड दाखवा. फोर्थ स्लाइड कुठली दाखवा? हाँ ओके, लाइक ये तो इसका जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो.
which things are there. In short, if you want, like tomorrow, our staff can explain you even better. Okay, na? So have a nice day. Like already 2 ghanta, almost 1.5 ghanta ho gaya. So this is like my usual timing. So kuch bhi nahi karke, wohi time pe close ho raha hai. So we will keep such engagements more and more. Kuch beach time mein agar aapko knowledge chahiye, we can always call us. Okay. So have a good night and like stay invested and stay healthy.